हे गाइस, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूँ श्वेता और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में जिसका नाम है श्वेताज किचन एंड लाइफस्टाइल। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग ऐसे टॉपिक जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। पूरी वीडियो स्किन से रिलेटेड डेडिकेटेड है। आज पूरी वीडियो होने वाली है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव। तो वीडियो को लास्ट तक देखना ना भूले। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन को जरूर क्लिक करें जिससे मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ कुछ 5 ऐसे DIYs जिसे यूज करके आप होम रेमेडीज के तौर पर आपकी स्किन को बना सकते हैं बहुत ही ज्यादा नेचुरली ग्लोइंग, हेल्दी एंड प्रॉब्लम फ्री। तो लेट गेट स्टार्टेड। तो मेरा फर्स्ट DIY है उन लोगों के लिए जिनके स्किन है ऑयली और बहुत ही डल। तो उनके लिए हम क्या यूज करने वाले हैं देखते हैं। हमारे स्किन को ऑयल फ्री रखने के लिए हम इस पैक में ऐड करेंगे मुल्तानी मिट्टी, साथ ही साथ अम्बा हल्दी या कस्तूरी हल्दी भी जिसे कहते हैं, हम 1 चम्मच उसमें ऐड करेंगे। उसके साथ हम यूज़ करने वाले हैं चंदन पाउडर। आप सभी को पता है चंदन की प्रॉपर्टीज़ हमारे स्किन के लिए कितनी बेनिफिशियल है। और जायफल पाउडर या नटमेग पाउडर जो है हम उसे भी यूज़ करने वाले हैं। इससे हमारी स्किन से ऑयल रिड्यूस कम होगा और साथ ही साथ कुछ डार्क स्पॉट या पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम्स है वो भी इससे सॉल्व हो जाएगी। इसे तैयार करने के लिए हम रोज़ वाटर लेंगे, रोज़ वाटर में हम इसे मिक्स करेंगे। सेकंड DIY है उन लोगों के लिए जिनके स्किन में बहुत ही पिंपल की प्रॉब्लम है, डलनेस और ड्राइनेस भी है और साथ ही साथ पिंपल की वजह से स्पॉट भी है। तो ये DIY की मदद से आप आपके पिंपल्स के प्रॉब्लम जड़ से सॉल्व कर सकते हो। यहाँ इस पैक में हम सारी ऐसी चीज़ें शामिल कर रहे हैं जो पिंपल को फाइट करने में हमारी मदद करती है, जैसे कि नीम पाउडर है, अम्बा हल्दी, तुलसी पाउडर और मुल्तानी मिट्टी। इसे रेडी करने के लिए हम यहाँ पे प्लेन दूध या कच्चा दूध ले रहे हैं। इसमें हम ऐड करेंगे नीम की पाउडर। ये सब पाउडर्स आपको अवेलेबल हो जाएगी आयुर्वेदिक शॉप में जहाँ पे यह सब सामान मिलता है। अम्बा हल्दी, मुल्तानी मिट्टी और तुलसी पाउडर हम इसमें ऐड कर लेंगे और ये पैक हम रेडी कर लेंगे। चाहे तो आप इसे गुलाब जल में भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन कच्चे दूध की प्रॉपर्टीज़ भी हमारे स्किन के लिए बहुत ही अच्छी रहती हैं, इसलिए हम इसी से ट्राई करेंगे। और रेडी होने के बाद इसमें हम 1/2 लींबू स्क्वीज कर लेंगे। इस तरह से ये तैयार हो जाएगा और हम अब इसे अप्लाई कर लेंगे हमारे फेस के ऊपर। इस तरह से ज़्यादा ना ही तो थिक और ना ही ज़्यादा पतला हम इसे अप्लाई करेंगे पूरी तरह से और इसे 5 मिनट तक सूखने देंगे। मेरा थर्ड DIY है उन लोगों के लिए जिनकी स्किन सन की वजह से बहुत ही डैमेज हो चुकी है और टैनिंग वगैरह की उनकी शिकायत ज़्यादातर है और बहुत ही ज़्यादा ड्राई है और जिसके ऊपर बिल्कुल भी ग्लो नहीं है, नेचुरल फ्लॉलेस नहीं है, उनके लिए ये तीसरा DIY। सन डैमेजिंग की वजह से, टैनिंग की वजह से आपको अगर प्रॉब्लम है तो ओट्स आपके लिए बहुत ही बेहतर है। साथ ही साथ मैं यूज़ कर रही हूँ लाल मसूर की दाल की जो पेस्ट की हुई है, फाइन ग्राइंड की हुई, वो यूज़ कर रही हूँ मैं इसके साथ में। तो ये हो गए ओट्स। ओट्स हमारे स्किन को एक्सफोलिएट करने में मदद करते हैं। इसके साथ मैं यूज़ कर रही हूँ लाल मसूर की दाल जो पीसी हुई है। उसके साथ ही हम यूज़ करने वाले हैं उपटन पाउडर जो अगेन हमारे स्किन को एक्सफोलिएट तो करते ही हैं, टैनिंग भी साथ साथ दूर होती है इससे, चंदन पाउडर और एज यूजुअल अम्बा हल्दी। ये सारी पाउडर्स हमारे स्किन में अच्छे से पेनिट्रेट होने में मदद करती है और इससे स्क्रबिंग के लिए भी हेल्प होती है। आप इसे फेस पे और पूरे बॉडी पे मसाज कर सकते हैं। आप चाहे तो इसे
रोज़ वाटर में मिक्स करें या फिर प्लेन दूध में। यहाँ पे हम दूध में इसे मिक्स करेंगे। मैं आपको इसे अप्लाई करना दिखाती हूँ। इस तरह से हम इसे थिक पेस्ट बना लेंगे और हमारे बॉडी पार्ट के ऊपर इसे या फेस के ऊपर इस तरह से आपको अप्लाई करना है जेंटली। ओट्स स्क्रबिंग का काम करता है हमारे स्किन के ऊपर और इससे पोर्स भी ओपन हो जाते हैं। पोर्स में फंसी हुई टैनिंग की प्रॉब्लम, ऑयल, डर्ट रिड्यूस करता है। मेरे 4 नंबर की रेमेडी है उन लोगों के लिए जिनकी जो रखना चाहती है अपनी स्किन को ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रेटेड और फ्रेश, इवन टोन और बिल्कुल भी पिंपल फ्री। यहाँ हम ले रहे हैं कर्ड। कर्ड से हमारी स्किन फ्रेश और हाइड्रेटेड रहती है। कर्ड की प्रॉपर्टीज़ हमारे स्किन के लिए बहुत ही यूज़फुल है। इसमें हम लेमन जूस ऐड करेंगे, हाफ लेमन जूस, जिससे स्किन की डलनेस और डार्क स्पॉट जो है, ब्लैक हेड है, वाइट हेड है, वो भी रिमूव होने में मदद होगी। साथ ही साथ हम इसमें अंबा हल्दी, कस्तूरी हल्दी ऐड करेंगे। बस इस 3 चीज़ों से हमें ये पैक रेडी करना है और स्किन में हमें इसे अच्छे से पेनिट्रेट हो देना है। इस तरह से हमें इसे मसाज देना है, 5 से 7 मिनट तक मसाज दें और साफ कर लें। मेरा 5 नंबर का DIY है उन लोगों के लिए जिनको स्किन से रिलेटेड बहुत सारी शिकायतें हैं, पिंपल, ऑयलीनेस, ड्राइनेस, डार्क स्पॉट, ब्लैक हेड, सारी जो दिक्कतें हैं स्किन से रिलेटेड उनको है, तो उनके लिए ये 5 नंबर का DIY सबसे ज़्यादा यूजफुल है। आप इसे ज़रूर ट्राई करके देखिए और आपको क्या रिजल्ट है मुझे ज़रूर कमेंट में बताइए। हनी कुछ एक ऐसा नेचुरल बेस्ड प्रोडक्ट है जिससे हमारी स्किन सॉफ्ट और ग्लोइंग लगती है। तो हम सबसे पहले हनी ऐड करेंगे और स्क्रबिंग के लिए हम ओट्स ले रहे हैं। ओट्स हमारे स्किन को सॉफ्टली स्क्रब करते हैं और एक्सफोलिएशन बढ़ाते हैं हमारे स्किन में। और हम इसमें ऐड करेंगे कॉफ़ी, इंस्टेंट कॉफ़ी, जिससे डार्क स्पॉट वगैरह और टैनिंग की जो शिकायत है वो भी इससे कम होती है। साथ ही साथ स्किन में जो डार्कनेस है और डलनेस है वो भी इससे सॉल्व हो जाएगी। इस पैक को इस तरह से ही थिक हम रेडी कर लेंगे और जेंटली हम स्किन पार्ट पर इसे मसाज करेंगे। 5 से 7 मिनट तक मसाज देने के बाद हम इसे टैप वाटर से वॉश कर लेंगे। तो आपको ये सारी DIY कैसे लगे मुझे कमेंट में जरूर बताइए और ये DIY जरूर ट्राई करिए। बिल्कुल ही कम खर्चे में और कम एफर्ट्स में आप ये घर पे ही होम रेमेडीज कर सकते हैं और इससे जो आपको फायदा होने वाला है वो तो वर्थलेस है। तो आप इसे जरूर जरूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट में जरूर बताएं। आपको आज का ये वीडियो कैसे लगा मुझे जरूर कमेंट में बताइए और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।